जो बात कहते डरते हैं सभी तू वो बात लिख, जो बात कहते डरते हैं सभी तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी न थी कभी रात लिख, जिस कलम से लिखे थे कसीदे कभी वो अब फेंक दे, जिस कलम से लिखे थे कसीदे कभी तू अब वो फेंक दे, अपने खून से सच्चे दिल के जज्बात लिख। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद अख्तर साहब की, बहुत उम्दा शायर हैं और उन्होंने अपनी बेबाकी को पाकिस्तान में साबित कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान में आयोजित होने वाले फैज फेस्टिवल में जावेद अख्तर साहब 5 साल बाद गए थे और उन्होंने इस फेस्टिवल में अपनी बेबाकी, प्रखरता और मुखरता का झंडा गाड़ दिया। ये सुनकर जानकर आपको ताज्जुब हो सकता है, लेकिन हाँ, ये हकीकत है। जावेद अख्तर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान के लोगों से शिकायतें की और पाकिस्तान के लोगों को खूब लताड़ा। 26/11 मुंबई के हमले को लेकर दो टूक बातें सुना दी। उन्होंने कहा, आजकल फिजाएं इतनी गर्म हैं, इनका तापमान कुछ कम होना चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, उन्होंने कहा, मैं मुंबई से आया हूँ, हम बंबई के लोग हैं। जो लोग हमारे यहाँ बंबई में हमला करने आए थे वो नॉर्वे से नहीं आए थे, वो आप ही के देश के लोग थे और अभी भी ऐसे लोग आपके देश में घूम रहे हैं। जी हाँ, मुंबई बम धमाकों और मुंबई में जो हमले हुए उनको लेकर जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान की भरी सभा में, जहां हजारों लोग पाकिस्तान के मौजूद हों, उनके बीच ये कहकर अपनी बेबाकी और अपने निडरता का सबूत जरूर दे दिया है। जावेद अख्तर इससे पहले भी मौके बेमौके कई बार इस तरीके की बातें करते आए हैं, चैन अमर और शांति के दूत रहे हैं और कई बार इन सब बातों को प्रखरता से और प्रमुखता से उठाते हैं। जावेद अख्तर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, हमने तो मेहंदी हसन जो बड़े गजल गायक थे और नुसरत फ़तेह अली खान साहब के कई शो सजाए हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो गाते हैं वो आपको पता है सूफ़ी कलाम लोगों के दिलों में उतरते हैं। मैं भी पर्सनली नुसरत फ़तेह अली खान और आज के दौर में राहत फ़तेह अली खान को लोग सुनते हैं, उनका बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन हाँ, जावेद अख्तर के ये बोल मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। जावेद अख्तर ने कहा, हमने मेहंदी हसन को सजाया और हमने नुसरत साहब के बहुत सारे शो करवाए, उनको सर आंखों पे बिठाया, लेकिन क्या कभी आपने लता मंगेशकर का कोई एक शो भी किया है? ऐसी खबरें हमें क्यों नहीं मिलती हैं? सुरों के सम्राज्ञी लता मंगेशकर आप जानते हैं, लोगों के दिलों और लोगों के जहन में उतरने वाली आवाज़ थी, आवाज़ आज भी हैं, ईश्वर परमात्मा में विलीन हो गई हैं, लेकिन ऐसे तराने गा गई हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। तो जावेद अख्तर की इस बेबाकी के लिए मैं अभिव्यक्ति के माध्यम से उनको सलाम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत का हर एक बेटा इसी तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखता रहे। आपकी बेबाकी, आपकी प्रखरता और आपकी प्रमुखता, आपकी बात को बहुत सही तरीके से और सलीके से रखने की जो शैली है, जो कला है, उसको एक लंबा और बड़ा आयाम मिले, उसको शिखरों पर ही आयाम मिले। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की जुबा तेरी अपनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।